सरकार और टीम अन्ना के बीच अब बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच अन्न छोड़े हुए अन्ना की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। अन्ना की गिरती सेहत और जनता की बढ़ती भीड़ के बीच चिंताओं से घिरती सरकार ने अन्ना हजारे की टीम को बातचीत की मेज पर बुलाया। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री प्रणब मुखर्जी को और टीम अन्ना के तीन चाणक्य अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण सरकार से बातचीत के लिए पहुंचे। सरकार से बातचीत के बाद जो कुछ निकल के सामने आया उसे पूरा नतीजा या समझौता तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि टीम अन्ना ने अपनी ज्यादातर लड़ाई जीत ली है। टीम अन्ना की माने तो प्रणब मुखर्जी उनकी सबसे बड़ी मांग पीएम को लोकपाल के दायरे में लाने पर राजी हो गए हैं। एक प्रधानमंत्री को इसके तहत लोकपाल के तहत लाने के लिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन इस सबसे बड़े मसले के हल होने के बाद भी सरकार और टीम अन्ना के बीच अभी तीन मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर बातचीत अटक गई है। राज्यों में लोकायुक्त बनाने, सिटीजन चार्टर और निचली स्तर की नौकरशाही को लोकपाल के नीचे लाने को लेकर अभी भी दोनों पक्षों में गतिरोध कायम है। एक आम आदमी को तो जूनियर ऑफिसर से डील करना पड़ता है रोज, तो हमने कहा कि इस जूनियर को भी इसमें डालिए। दूसरी बात, सारे राज्यों में एक साथ लोकायुक्त आना चाहिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि वो सोच के बताएंगे। और तीसरी बात कि हर विभाग अपना एक सिटीजन चार्टर बनाए जिसके अंदर लिखा हो कि कौन सा काम कितने दिन में किया जाएगा और कौन अधिकारी करेगा। उधर अन्ना की टीम से बात करने के बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, क्योंकि अन्ना का जीवन अनमोल है। His life is too precious to be put at any risk whatsoever. We have started discussions with his representatives. The matter will be further discussed in all party meetings. वहीं अन्ना की टीम ने भी संकेत दिए हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी किसी नतीजे की ओर पहुंचने की कोशिशों में है। हालांकि उसने ये भी साफ कर दिया कि बिना लिखित वायदे के वो सरकार की बात मानने वाले नहीं। सरकार और टीम अन्ना के बीच जब बातचीत चल रही थी तब रामलीला मैदान में एक बार फिर अन्ना ने सरकार को ललकारा। जाहिर है अन्ना को इस बात का एहसास है कि सरकार पर उनका दबाव अब रंग ला रहा है, और ऐसे में अंतिम वक्त पर जब फैसले की घड़ी आ गई है तब अन्ना सरकार को ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है कि अन्ना का अनशन सरकार का टेंशन बन गया है, वो हर हाल में इसे खत्म करवाना चाहती है। अन्ना की टीम भी अन्ना की गिरती सेहत से चिंतित है और चाहती है कि सरकार जल्द से जल्द मान जाए। अब ऐसे में इंतजार है बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक का, जिसके बाद शायद तस्वीर और साफ हो पाए। सुन्नत सिंह और विनोद मिश्रा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। जनलोकपाल के मुद्दे पर सरकार के नुमाइंदों से बात करने के बाद अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने साफ कर दिया कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार लिखित तौर पर टीम अन्ना की मांगों पर आश्वासन नहीं देती है। जाहिर है टीम अन्ना जनलोकपाल के मुद्दे पर अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। जन लोकपाल बिल के मसले पर सरकार के जुबानी जमा खर्च के फेर में आने को तैयार नहीं है टीम अन्ना। एक ओर सरकार के नुमाइंदों से टीम अन्ना की बातचीत हो रही है तो दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना के सहयोगी दम ठोक रहे हैं। हमें वापस आएंगे, लेकिन कुछ मुद्दे जो समझते हैं कि कोई इतराज नहीं है। जन लोकपाल के मसले पर सरकारी वार्ताकारों से बातचीत के बाद रामलीला मैदान में अन्ना की अहम सहयोगी किरण बेदी ने ऐलान कर दिया कि जब तक सरकार लिखित तौर पर अपनी मंशा सामने नहीं रखती अन्ना का अनशन जारी रहेगा। बनेगी जो इस अस वक्त जो मैं आपको समझा रही थी, जब तक रिटन कमिटमेंट नहीं आएगा या डायरेक्टली इनके करेक्ट एम्पावर्ड पर्सन आके डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, अन्ना रिलेंट नहीं करेंगे। सरकार के बदले रुख के बाद भी उस पर आंखें मूंद कर यकीन करने को तैयार नहीं है टीम अन्ना। टीम अन्ना को यह डर सता रहा है कि जब तक बातचीत का कोई ठोस नतीजा ना निकल जाए ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ऐसे में सरकार अपनी जुबानी वादों से पलट भी सकती है, और इसलिए अब वो समझ रही है जनता की आवाज
कि जनता चाहती है। यही वजह है कि टीम अन्ना की अहम सदस्य किरण बेदी ने साफ कर दिया है कि सरकार अपनी मंशा लिख कर दे, नहीं तो अन्ना का विरोध यूं ही जारी रहेगा। टीम अन्ना की ये पहल इसलिए भी है कि सरकार एक बार अपनी बातें लोगों के सामने रखने के बाद मुकर न सके। आपत्ति नहीं जताई उनको कोई। टीम अन्ना सरकार के बदले रुख पर भी पूरी तरह से यकीन करने को अभी तैयार नहीं है। यही वजह है कि टीम अन्ना एक ओर तो जन लोकपाल के मसले पर सरकार से बातचीत जारी रखना चाहती है, तो दूसरी ओर उसकी कोशिश ये भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ये आंदोलन कमजोर न पड़े और उनको रिक्वेस्ट करें और अपील करें कि अब सुबह भी नहीं होने दो, सुबह से भी पहले आप अपना डिसीजन भेज दें। क्योंकि टीम अन्ना इसी वजह से रामलीला मैदान में अपने समर्थकों को समझाने में लगी है कि सरकार से बातचीत भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन जन लोकपाल बिल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग बुलाई। अन्ना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक उनको दिखाएगा। अगर आप जल्दी चाहते हैं अन्ना अनशन तोड़े तो कृपया जो फैसले हुए अन्ना टिकट मांगे, अन्ना वर्कर से नहीं जाएंगे, इसलिए जो भी फैसला हो टिकट ले आना। ऊपर चर्चा हुई जन लोकपाल के मसले पर सरकार से बातचीत में फूक फूक कर कदम रख रही है टीम अन्ना। ऐसे में अन्ना की अहम सामने नजर आई किरण बेदी का रुख भी बेहद सधा हुआ है और वह इस पेचीदा मसले पर को कोई भी जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं है। अन्ना की सेहत पर और इसलिए विनोद मिश्रा दिल्ली न्यूज 24 समझ रही है।